हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज है संडे। आज मतलब कि हम लोग के लिए स्पेशल डे है, संडे मतलब स्पेशल डे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अभी छत पे हूँ और मैं अभी यहाँ पे थोड़ी देर एक्सरसाइज करूँगी और उसके बाद बाकी के सारे काम। ताकि थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से क्या है कि आपका सारा दिन जो है वो एनर्जी भरा रहेगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे वो जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। ये देखिए, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों निकल पड़े। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे चले गए वॉक के लिए और मैं करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज। अभी आपको मेरा चेहरा क्लीन नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि साइड से धूप निकली हुई है, क्योंकि अभी बजे हैं मॉर्निंग के 6, अभी 6 बज रहे हैं। तो बस अभी मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है और अभी मैं चलूँगी बाकी काम की तरफ। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने में थोड़े से पेड़ पौधे हैं, अभी तो कम हो गए हैं। पहले बहुत सारे मैंने लगा के रखा था लेकिन वो थोड़े से मुरझा गए, ख़राब हो गया है। तो उन सभी को ठीक करना है। हाँ, तो अभी मेरे को बाज़ार भी जाना है और कुछ सब्जी उब्जी ले कर आनी है क्योंकि मैं संडे को ही जाती हूँ अक्सर बाज़ार में। और वहाँ से जितनी हो सके 5 दिन 6 दिन जितनी मेरे को सब्जी मिल सके स्टोर में कर पाऊँ तो उतने दिन की सब्जी लेके आती हूँ। बाकी के जो काम हैं उन सभी को कंप्लीट कर लूँ। अभी मेरा नहाना हो चुका है तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। तो इस वजह से आज की पूजा मेरे बच्चे करेंगे और चाय भी मैं वहाँ से आने के बाद पीऊँगी। तो मेरे हस्बैंड और अभिषेक जो है वो वॉक करके आ चुका है और इसका नींबू पानी भी हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी मेरा बाहर का सारा काम हो चुका है, सब्जी वगैरह मैंने सारे ला के रख दिए हैं। अब उसके बाद मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। अब मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ और मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैंने मार्केट से क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले तो लाइट को ऑन करते हैं। मैं आपके संग शेयर करूँगी ये अंडे की भुजी। अभी मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो मैं इसे कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडे को पहले से ही तोड़ लिया है। इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, उसी के साथ काला नमक, सॉरी सादा नमक। और यहाँ पे मैंने कुछ प्याज, गाजर और हरी मिर्च काट कर रखी है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसे पैन में डालेंगे। देखो, तो ये मैं अंडा भुजी बना रही हूँ। अंडा भुजी खाने में बहुत मस्त लगता है। अगले बार बनाएं। देखिए अंडा भुजी मेरा बेटा बना रहा है। ए उधर उधर ध्यान दे उसको, चला। आप देख रहे हैं कि ये मेरे साथ रह के ये भी कुकिंग सीख गया है और ये कितना अच्छा अंडा भुजी बनाएगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, अंडा भुजी, पाव रोटी और केला। हम लोग चलते हैं बस अब ब्रेकफास्ट करने। तो हम लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चाय हमारा उबल रहा है और बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो चाय पीने की इच्छा होती है लेकिन वो चाय पीने के बाद उनका गले में खट्टा डकार आने लगता है या फिर गैस्ट्रिक होने लगती है। तो इससे बचने के लिए आप जब चाय बनाएं तो चाय जब पक जाए तो लास्ट में आप इसमें चीनी डालें।
चीनी लेकिन थोड़ा सा हल्का ही, मीठा ज़्यादा मीठा नहीं पीजिए। और मैं तो अक्सर चीनी का पाउडर यूज़ करती हूँ, चाय बन जाने के बाद उसमें मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से अगर आप चाय बना के पियेंगे तो इससे क्या है कि गले में खट्टा टेका नहीं आएगा आपका। चाय मेरा हो चुका है। ये है हमारे सलमान खान दुबले पतले सलमान खान। तो चलिए अब चाय पीने बैठते हैं। चाय पीने के साथ थोड़ी देर हम लोग टीवी देखेंगे। आज अभिषेक ने कहा कि मम्मी आप जाओ, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। तो वो अभी चाय कप में डाल रहा है, तो अभी लेके आएगा। ये देखिए, ये मेरे लिए चाय लेके आया। चलो नीचे रखो, नीचे रखो। तो अभी चाय के साथ साथ हम लोग देखेंगे टीवी। और मैं आज सुबह में, मैं संडे को अक्सर मैं जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि संडे जल्दी उठने से क्या है कि मेरा बाहर का जो काम है वो भी हो जाता है। और आज हम लोग मिलकर सारा दिन टीवी देखते हैं, तो सबसे पहले तो कुकिंग करेंगे। तो दोपहर का जो लंच है उसे मैं फटाफट से रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं दोपहर का जो लंच है उसे रेडी कर लूँगी। रेडी करने के बाद हम लोग देखेंगे टीवी, क्योंकि संडे सैटरडे मेरा फेवरेट है, क्योंकि संडे सैटरडे में देता है बहुत सारा शो, जैसे कपिल शर्मा शो और आपका इंडियन आइडल मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके आपस में लड़ रहे हैं और इन लोगों का कोई काम नहीं है। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैंने क्या सब्जी ली है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आम लिया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी सब्जी मैंने ली है। पोई साग, कुमड़ा, ये मैंने कच्ची हल्दी ली है, कच्ची हल्दी, इसे मैं दूध में बॉईल करके सबको दूंगी। तो बाद मैंने यहाँ पे लिया है पटल, अदरक, कच्चा आम, उसके संग ये करेला जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, इसी के साथ धनिया पत्ता, बैंगन, दूध, तो बस, और फिश मैंने लिया। तो अभी मैं लंच में बनाऊंगी फिश करी, और मैं एक रेसिपी बनाऊंगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मैंने अभी सारी सब्जियों को क्लीन करके रख दिया है फ्रिज में। उसी के साथ जो आम थे उसे भी मैंने यहाँ पे धो के और पानी में डाल के मैंने रख दिया है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद एक साइड मैंने चावल मेरा पक रहा है। तो इसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे फिश को मैंने धो लिया है, और उसी के साथ मैंने थोड़े से फ्रॉन मैं मार्केट से लाई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भापा फ्रॉन बहुत ही पसंद है सरसों बाटा देके। और उसी के साथ मैं यहाँ पे मैंने कुकर की सीटी बज रही है, तो मैंने यहाँ पे फिश एग लिया है, तो इसके मैं पकौड़े बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज कट करके रखा है और हरी मिर्च, और इसमें बेसन और हल्दी और नमक डाल के इसका एक पकौड़े बनाऊंगी जो अभी हम लोग खाएंगे। जैसे कि मेरा कहना है कि अभी जितने भी लोग हैं उन सभी को थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, सारा दिन ही खाए लेकिन थोड़ा थोड़ा खाए, उससे क्या होगा कि आपका जो शरीर है वो फिट रहेगा, हल्का रहेगा, तो आपको मतलब बेटर फील होगा इस टाइम पर भी। तो चलिए सबसे पहले पकौड़े को रेडी कर लेते हैं। तो इसमें प्याज, हरी मिर्च डाल देंगे, उसी के साथ बेसन डालेंगे, और खाना बनाने के बाद मैं एक स्क्रब करूंगी जो बिल्कुल ही सेफ है, होममेड है। तो पकौड़ा हमारा रेडी हो रहा है, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी से कहना है कि आप लोग जिस तरह से मेरा कुकिंग चैनल एंजॉय करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, तो मेरा यही कहना है कि अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोग के लिए बहुत ही कीमती है।
और आप यूं ही लाइक और कमेंट करते रहें मेरे कुकिंग चैनल को, बहुत अच्छा लगता है। तो इसे थोड़ा हमारा रेडी है। और तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आऊँगी फ्रॉन भाफा की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। सरसों दे के जो मैं उसे बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब चलते हैं गर्मा गर्म पकौड़े खाने, तो हम सब मिल के इंजॉय करेंगे। और देखें गर्म है, स्वाद आकर के खाओ, गर्म है, अच्छा लग रहा है। फिश खा के सभी लोगों में एनर्जी आ गई है, सभी मिलकर डांस कर रहे हैं। मेरी बेटी तो गिर गई उसमें इतना एनर्जी भर गया कि वो गिर गई। तो एक साइड में मैंने प्रॉन भाफा बन रहा है, ये मेरा प्रॉन भाफा बन रहा है। दूसरी साइड मेरी फिश फ्राई हो रही है और चावल तो मेरा पक चुका है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ी है। क्या कर रहा है क्या कर रहा है? तो यहाँ पे मैंने सरसों फिश कड़ी बनाया है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे ऑलरेडी मेरे चैनल पर दिया हुआ है फिश करी की रेसिपी, तो आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। उसी के साथ तो चावल तो हमारा रेडी है, और यहाँ पे मैंने जो भाफा प्रॉन बनाया था ये भी रेडी हो चुका है। उसी के साथ यहाँ पर फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा ठंडा आम, तो अभी बच्चों लोग को तो भूख लगी है, तो अभी से एक पूजा और इसके पापा को मैं दे देती हूँ खाना। अभी मैं स्क्रब करने जा रही हूँ, तो स्क्रब मैं किस तरह से बनाती हूँ ये मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही, लिया है 2 चम्मच आप दही ले लें, खट्टा दही। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पिसा हुआ चावल लिया है, तो जो आपके पास कच्चा चावल हो उसे आप मिक्सी में ग्राइंड कर ले और उसका पाउडर बना ले। तो यहाँ पे मैंने उसका पाउडर लिया है, तो ये भी 2 चम्मच आप डाल दें इसमें। और उसके बाद डालेंगे ये 1/2 नींबू का रस, तो इस तरह से इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसे आप अपने चेहरे पे अप्लाई करें, और इसे आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। इसे आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। इसे मैंने मिक्स कर दिया है, और मैं इसे अक्सर खाना बनाने के बाद इसे अप्लाई करती हूँ चेहरे पर, ताकि जितने भी थकावट रहते हैं सुबह से जो काम करते हैं आप, तो उसके बाद इसे यूज़ करने से आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखें। इसे आप हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट के लिए मसाज कर लें, बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से 2 मिनट करने के बाद आप इसे धो लें नॉर्मल पानी से। तो मैं चलती हूँ अब लंच करने। तो ये रहा मेरा लंच,
आज का जो लंच है बहुत ही टेस्टी बना है, और सबसे टेस्टी तो ये भापा प्रॉन है। कि मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है और मेरा दोपहर का काम अभी ख़त्म हो गया, तो अभी बस हम लोग एक टीवी देखने जाएंगे, तो टीवी में एक मूवी लगाएंगे, बस वो हम लोग देखेंगे। आपका ले नहीं रहे आ गए। तो अभी शाम हो चुकी है और मूवी देखने के बाद हम लोगों ने मूवी डायनासोर की देखी थी, और मूवी देखने के बाद एक कड़क चाय बनाते हैं। अभी मैं चाय के संग प्याज के पराठे बना रही हूँ, जो कि अभी से भूख लगी थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि प्याज के पराठे बना लूँगी, तो अभी उसी के लिए बना रही हूँ। और अभी चाय लेके हम लोग जाएंगे छत पे, क्योंकि छत पे थोड़ी सी हवा भी आ रही है। जैसे कि अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैंने कहा कि हवा चल रही है। शाम को यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है जब ठंडी ठंडी हवा चले। शाम का व्यू दिखा रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा बेटा गाना चालू करके वो डांस कर रहा है। छुप गया वो, देखते ही छुप जा रहा है। अभी मैं फटाफट से डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, क्यों मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रेडी कर लिया है, और मैंने यहाँ पे परवल काट लिया है, उसी के संग आलू टमाटर प्याज हरी मिर्च सारे मसाले मैंने रेडी कर लिए हैं। क्योंकि मैं जब सुबह मार्केट गई थी तो वहाँ से मैंने छोटे साइज के जो आलू मिलते हैं वो मैं लेके आई थी आलू दम बनाने के लिए, तो अभी मैं वही आलू दम बनाऊँगी पटल दे परवल के साथ। और सिंपल अभी रात का समय है तो मैं रोटी बनाऊंगी। ये बनाना मुझे मेरे लिए सिंपल हो जाता है, अगर मैं ये अदरक और लहसुन का पेस्ट अगर बना कर रखती हूँ तो बहुत ही जल्दी मेरी कुकिंग हो जाती है। तो बस अब मैं फटाफट से आधे घंटे के अंदर इसे कंप्लीट कर दूँगी। मेरी बेटी देख रही है नानी के घर का वीडियो। नानी के घर में मामा के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन सब का वीडियो देख रही है अंशुमन का। अभी ने मेरा भाई एक वीडियो डाला है, ऐसी शॉर्ट वीडियो, उसमें वो दिखा रहा है कि उसको आम दिया गया है बच्चे को, और वो आराम से वो आम लेके वो खा रहा है। तो इस तरह से उसका वो वीडियो शूट करके और वो भेजा है। तो अभी पूजा देख रही थी तो उसने मुझे दिखाया कि मम्मी देखो ये क्या हो रहा है अंशुमन का कहाँ छुप छुप के घूम रहे हैं। महारथी है, महारथी ये इस घर के सलमान खान है और अजय देवगन, समझिए कि ये सिंघम है, सिंघम पतले वाले सलमान, पतले वाले सिंघम, ये छोटा सिंघम ये बड़ा सिंघम। दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं। हाँ और कुछ नहीं हो गया। ये देखिए ये दोनों जन क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है तुम लोग का लड़ाई चल रहा है, एक्सरसाइज। चलो अच्छा है, करो एक्सरसाइज। सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है, ये डॉन मार रहा है ऊपर। हो गया थक गया उठ जा, थोड़ा डांस कर लो, चलो थोड़ा पानी पी लो। तो अभी हमारा डिनर हो चुका है रेडी, और हम सब मिल के अभी देखेंगे टीवी,
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।